Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on azeotropic and extractive distillation. So we will discuss about the principle working and application of azeotropic and extractive distillation technique. For my previous videos on distillation, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Let's talk about the azeotropic and extractive distillation. So basically azeotropic solutions ऐसे solutions होते हैं जिनको constant boiling solutions बोलते हैं, मतलब कि एक ही टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, तो दैट इज़ द azeotropic solutions. तो बेसिकली अगर इन कंपोनेंट्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जो वेपर्स रहेगी और द लिक्विड रहेगा स्टील में, वो क्या होगा, आप कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते हो. बेसिकली यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स. सो ये एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक नहीं कहलाती है. सो जो प्रिंसिपल रहता है एजोट्रॉपिक और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का, वो कैसे होगा कि इसमें आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिक्स करना पड़ेगा जिससे कि क्या होगा कि उनकी जो रिलेटिव वोलेटिलिटी रहेगी तो वो इंक्रीज़ कर देता है दोनों कंपोनेंट के बीच में. तो रिलेटिव वोलेटिलिटीज इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियस ये बात है कि आप जो सेपरेशन रहेगा वो आपको इजीली मिल पाएगा कंपोनेंट्स का. तो इसी को अपन एजोट्रॉपिक टर्नरी मिक्सचर्स बोलते हैं, विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जिसका कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहता है. एंड फार्मास्यूटिकली इट इज़ इम्पोर्टेंट. So basically azeotropic distillation क्या होता है? It is a distillation method in which azeotropic mixture is broken by the addition of third substance which form a new azeotrope with one of the component. तो basically क्या होता है, सपोज करो कि you have that A plus B component जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब कि सेम ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल हो रहे हैं. तो आप क्या करोगे, आप सी कंपोनेंट को ऐड करोगे. तो सी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट ए या बी दोनों के साथ में एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकता है. तो ये सपोज करो कि ए सी ने अपना एजोट्रॉप बना लिया, तो इनका जो वॉलेटिलिटी रहेगी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. तो आप यू कैन ईजिली सेपरेट दैट बी कंपोनेंट फ्रॉम दैट ए और सी कंपोनेंट. तो ऐसा करना पड़ता है. इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ ना करने की बजाय आप क्या करते हो कि तीसरे कोई कंपोनेंट को ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से क्या रहता है, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ में एजोट्रॉप बना लेता है. तो इजीली यू कैन सेपरेट द अदर कंपोनेंट. सो जो रिलेटिव वोलेटिलिटी रहती है ऑफ द लिक्विड मिक्सचर कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग ऑफ दैट थर्ड सब्सटेंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो अब इसके कुछ एग्जांपल्स रहते हैं. तो कुछ कुछ जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स रहते हैं वो रहते हैं लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स, कुछ कुछ जो रहते हैं वो हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं. तो जो लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वाटर और इथेनॉल. तो वाटर और इथेनॉल जो रहता है बेसिकली, तो एज यू नो दैट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है. इथेनॉल का है आपका 78.37 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप प्योर स्टेज में देखते हो तो. अब इनका रेशियो अगर आप 4.03% प्लस 95.97% रेशियो अगर लेते हो इनका, तो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है, ये दोनों जो मिक्सचर्स रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है आपका 78.15. तो 78.15 है तो सब ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका क्या है, कम है, इन दोनों से ही कम है 78.5. तो ये कहलाते हैं आपके लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इथेनॉल हुआ, इथेनॉल और आपका बेंजीन का मिक्सचर हुआ. तो जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कितना रहता है, 78.37. बेंजीन का है आपका 80.1 डिग्री सेल्सियस. और जब इसका मिक्सचर आप लेते हो दैट इज़ 32.4 प्लस 67.6% अगर आप लेते हो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका, इन दोनों मिक्सचर्स का, वो होता है आपका 67.8 डिग्री सेल्सियस. तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम है. फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड और टॉलुइन का. तो जो एसिटिक एसिड का टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 118 डिग्री सेल्सियस, और जो टॉलुइन का रहता है दैट इज़ 110.6 डिग्री सेल्सियस है. तो इसका 28% और इसका 72% अगर आप मिक्स करते हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट बनता है वो कितना बनता है, दैट इज़ 105.4 डिग्री सेल्सियस बनता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों से क्या है आपका कम है। ठीक है, तो जो लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स रहते हैं वो बेसिकली आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मतलब कि क्या वो राउट्स लो को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेंगे आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अब जो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स रहते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, सपोज करो कि यू हैव वाटर एंड नाइट्रिक एसिड एज अ मिक्सचर, तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रिक एसिड का कितना रहता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जब आप 32 + 68 के रेशियो में ये दोनों कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो बनेगा 125 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो कि 125 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज द हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। तो जो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 61.2 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो इनको अगर आप 80:20 के रेशो में मिक्स करते हो तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कितना हो जाता है आपका 65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये भी क्या है आपका इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई है। तो ये भी आपके कैसे होते हैं, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग द राउट्स लॉ। सो ये जो करते ये डेविएशन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशंस। जो आपके लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स रहते हैं वो पॉजिटिव डेविएशंस को शो करते हैं और जो हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं वो नेगेटिव डेविएशंस को शो करते हैं। तो डेविएशंस कैसे है? देखो आपको जैसे मालूम है कि सपोज करो कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, तो इनका जो टोटल जो रहता है अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ तो वो टोटल जो प्रेशर्स रहता है वो इक्वल्स टू होना चाहिए। जब आप इसको प्लस करो तो ये टोटल आना चाहिए। और अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इससे कम आएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उससे ज़्यादा आएगा। तो ऐसा रहता है। तो बेसिकली अब अगर एग्जांपल अगर आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं तो जैसे बेंजीन को अगर आप बेंजीन इज एडेड टू एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर आप क्या करते हो बेंजीन को ऐड करते हो, बेंजीन इज एडेड टू द एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर और इथाइल अल्कोहल। तो बेंजीन जो रहेगा वो वाटर इथाइल अल्कोहल के एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स को ब्रेक करेगा और न्यू एज़ोट्रोप बनाएगा बिटवीन द बेंजीन एंड द इथाइल अल्कोहल। बेंजीन और इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या बनेगा, एक नया एज़ोट्रोप बनेगा और जो वॉलेटिलिटी रहेगी वाटर की इज़ इन्हेंस्ड। तो जब भी आप डिस्टिलेशन करवाते हो तो वाटर जो रहेगा आपका वो 65.85 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, लिविंग द अल्कोहल एंड द बेंजीन बिहाइंड। सो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है इन बाइनरी मिक्सचर का वो कितना रहता है आपका 82 डिग्री सेल्सियस बन जाता है एंड बेंजीन गेट डिस्टिल्स लिविंग द प्योर अल्कोहल बिहाइंड। तो इट कैन बी डिस्टिल्ड ऑफ एट 78.3 डिग्री सेल्सियस। सो द बेंजीन कैन बी रिसाइकल्ड, thus using fractional distillation method absolute alcohol can be prepared। तो बेंजीन वापस से मतलब कि क्या रहता है कि एक तरीके से रिसाइकल होने के चांसेस होते हैं। तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यू कैन सेपरेट द एब्सोल्यूट अल्कोहल बाय बेंजीन। सो एक और चीज़ रहती है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हेन ग्लिसरीन इज एडेड टू द अबव मिक्सचर so the vapor pressure of the water is lower, so partially pure ethanol can be obtained from the fractionating tower। तो आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो, जो कि ये आपका ग्लिसरीन जो रहेगा इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हो, जो कि वाटर का जो रहता है उसको लोअर कर देता है वेपर प्रेशर को, और आप प्योर इथेनॉल को आप फ्रैक्शनेटिंग टावर से ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर बात की जाए आपके दैट इज़ द एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि इसमें भी दो कंपोनेंट जो एज़ोट्रोप फॉर्म करते हैं तो यू हैव टू ब्रेक दैट एज़ोट्रोप बाय एडिंग द थर्ड सब्सटेंस। सो रिलेटिवली एजोट्रोपिक मिक्सचर जो रहते हैं वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स रहते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड. सो द थर्ड कंपोनेंट इज विड्रॉन एट द बेस ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. सो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जब सेपरेशन करवाते हैं अपन टॉलवीन का फ्रॉम द पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम मोलिकुलर वेट. तो पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली यू नो दैट दे आर हैविंग द सेम मोलिकुलर वेट. तो आपको अगर टॉलविन को सेपरेट करवाना हो तो द सेपरेशन ऑफ टॉलविन इज टॉलविन एंड आइसोऑक्टेन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन. जैसे कि टॉलविन को सेपरेट करवाना है आपको किससे, आइसोऑक्टेन से. सो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द आइसोऑक्टेन इज इंक्रीज. तो यू हैव टू ऐड दैट फिनॉल. फिनॉल जब आप ऐड करोगे तो जो आइसोऑक्टेन रहेगा उसकी जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. सो सेपरेशन जो रहेगा टॉलविन का वो रिलेटिवली ईजी हो जाएगा. तो यू कैन सेपरेट दैट टॉलविन ईजीली. और अनदर एग्जाम्पल जो है वो है आपका फरफ्यूरल का. फरफ्यूरल इज एडेड टू सेपरेशन ऑफ ब्यूटाडाइन फ्रॉम इट्स मिक्सचर कंटेनिंग ब्यूटेन एंड ब्यूटीन. तो ब्यूटेन और ब्यूटीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यू हैव टू ऐड दैट फॉरफ्यूरल. तो यू कैन इजीली सेपरेट ब्यूटाडाइन फ्रॉम दैट मिक्सचर. सो अब इसके एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली the liquor from fermentation process is common source of ethanol and contain approximately 8 to 10%. So absolute alcohol can be prepared by the azeotropic distillation. तो जब भी आपको absolute alcohol चाहिए रहता है तो you can separate it easily with the azeotropic distillation. और petroleum refineries में भी आपका ये azeotropic distillation method का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.